नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और जहां पहले भी कोरोना ने लोगों को काफ़ी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा था, तो इस बार भी कोरोना के कारण ही लोगों को मन में दिल में डर भी बैठा हुआ है कि इस बार ऐसी नौबत ना आ जाए। इसी के साथ हम बता दें आपको, इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 19, जहां पर आज हम बात करेंगे 19 मार्केट के प्रधान जी से कि जो चंडीगढ़ ने हाल ही में, चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है, क्या वो उससे सहमत हैं या नहीं है। सर, आप जो चंडीगढ़ प्रशासन ने अभी फैसला लिया है, मार्केट्स का जो टाइमिंग रखा गया है वो 10 to 5 रखा गया है, तो क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं जी। हमारी जो छोटी मार्केटें हैं, 5 मार्केटें हैं अपना, 19 सदर बाज़ार, पालिका बाज़ार, 15 की पटेल मार्केट, 41 की कृष्णा मार्केट, 22 की शास्त्री मार्केट, इन मार्केटों का इन्होंने 5 बजे तक टाइम किया है। पर ये जायज़ नहीं है कि हमारी छोटी मार्केट्स को इन्होंने 5 बजे तक किया है, और हमारा टाइम भी बड़े शोरूम जैसे 8 बजे तक करना चाहिए इनको, क्योंकि हमारा काम सीज़न का है। हमारे पास छोटा कस्टमर आता है, मिडिल क्लास कस्टमर आता है, और जो मिडिल क्लास कस्टमर है, फैक्ट्री में छुट्टी होगी 5 बजे तो मार्केट आएगा शॉपिंग करने। यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है, सब मिलता है, और हमारे पास सर्दियों का स्टॉक है। अब आगे शादियों का सीज़न है, लोगों ने शॉपिंग करनी है, सर्दियों का स्टॉक ऐसा है कि अगर 15 दिन नहीं बिका तो स्टॉक जो है वो डंप हो जाएगा हमारा, वो माल बिकेगा नहीं। हमने व्यापारियों से उधार उठाते हैं माल, फाइनेंसरों से पैसे लेते हैं, बैंकों की लीज देनी होती है, सब कुछ देना है, तो हमारा अगर माल, लाखों रुपए का माल पड़ा है मार्केट में, वो फंस गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। अगले साल वो माल बिकेगा नहीं, वो डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा, कस्टमर लेगा नहीं, तो हमारा टाइम, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि हमारा टाइम भी 8 बजे तक किया जाए। हम ये नहीं कहते कि उनका टाइम 8 बजे तक है, हमारा 5 क्यों है, हमारा टाइम बराबर कर देना चाहिए, 8 बजे तक उनके साथ ही कर देना चाहिए। हमने पहले भी ऐसे ही जनता से बात की थी, मार्केट वासियों से बात की थी सेक्टर 22 में, तो उनका कहना था कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, बेसिकली टाइम का शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए। तो ऐसे ही कुछ अटकलें भी लगाए जा रही थी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कि वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन नहीं लगाया। तो वहीं जो मार्केट का समय है वो घटाकर थोड़ा कम कर दिया है, 10 से 5 का कर दिया है। तो वहीं अगर बात की जाए मॉल्स की, तो मॉल्स अभी भी 9 बजे तक खुले रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि चंडीगढ़ ने, एक तरफ तो पॉजिटिव चीज ही है देखा जाए तो कि उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया और टाइम को कम कर दिया, क्या कहेंगे आप इसको? देखो, लॉकडाउन तो लगाना नहीं चाहिए, पहले लॉकडाउन से हम उठे नहीं हैं। पहले पिछली बार जो लॉकडाउन लगा है, हमारे सिर के ऊपर कर्जे चढ़ गए हैं कितने, हमारी कई दुकानदार ऐसे हैं जिनकी दुकानें किराए पे हैं, किराया देना मुश्किल है, वर्कर है हमारे पास, वर्कर की सैलरी देनी है, और हमारे खर्चे नहीं रुके कोई भी, स्कूलों की बच्चों की फीस जा रही है, हमारी किस्तें जा रही हैं, हमारी गवर्नमेंट कोई मदद तो नहीं करता ना, एक पैसे की मदद नहीं की। जब पिछली बार लॉकडाउन खुला था उसके बाद ही इन्होंने हमें अपना प्रॉपर्टी टैक्स की चिट्ठियाँ भेज दी थी कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाओ, तो ये लॉकडाउन लगाना तो हमारे लिए आत्महत्या करने वाली बात हो जाएगी। लॉकडाउन की बात की जाए तो कोरोना पिछले 3 सालों से लोगों को काफ़ी सता भी रहा है, इसमें काफ़ी लोगों ने लाखों की तादाद में सुसाइड भी किए हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। इसी के साथ अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा देते हैं कि मेक इन इंडिया, यानी जो देसी सामान है उसको अपनाओ और विदेशी को भगाओ, तो वहीं अगर देखा जाए तो जो लोकल छोटी मार्केट्स हैं वहाँ उनका टाइमिंग 10 से 5 रखा गया, और अगर बात की जाए मॉल्स की तो उनका टाइम 9 बजे तक रखा गया है। और अगर मॉल्स में देखा जाए तो अधिकतर विदेशी ब्रांड्स हैं, उनकी बिक्री ज़्यादा होती है, और अगर वहीं मार्केट की बात की जाए तो जो आपने जैसे अभी बताया जनता का आने का टाइम शाम को ही होता है लगभग, तो उसमें देखा जाए तो जो मार्केटिंग है वो ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा चल रही है इस वक्त, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, जो सामान सारा है, जो मॉलों में माल पड़ा है, वो सारा विदेशी सामान है, सारा बाहर का ही सामान है। हमारी मार्केट में सब दिल्ली लुधियाना से माल आता है, कलकत्ता से माल आता है, वही माल बिकता है और सस्ता माल होता है वो। और जो ये मोदी जी कहते हैं कि एक सामान होना चाहिए, हमारी मार्केट में कस्टमर आता है मिडिल क्लास कस्टमर, उसके लिए सामान सारा है। अब हमारे मार्केट में 200 रुपये की जेंट शर्ट मिलती है कि वो मॉल में नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद मेरा कहना यह है कि 3 बजे तक
ग्राहकों को पता है कि 5 बजे तक मार्केट खुली है, ठीक है, 5 बजे तक रश पड़ जाता है ज्यादा। अगर यही टाइम 8 बजे तक कर दिया जाए तो ग्राहक को पता होगा भी 8 बजे तक मार्केट खुली है, आराम से जाएंगे। अब 3 बजे हमारी मार्केट में 3 बजे कस्टमर शुरू होता है, 2 घंटे, 5 बजे मार्केट बंद करने का टाइम हो जाता है, 2 घंटे के लिए कोई दुकानदारी नहीं होती। सर्दियों के दिन है, लोग घरों से लेट निकलते हैं, और सबसे बड़ी बात की जो ऑफिस वाला बंदा है, ऑफिस वाला बंदा तो आ ही नहीं सकता मार्केट में, 5 बजे मार्केट बंद है, लोग परेशान होते हैं, लोगों को सामान नहीं। हमारी मार्केट में सस्ता सामान है, इसलिए सोचना चाहिए प्रशासन को कि जो गरीब बंदा तो मॉल में जाएगा नहीं, मिडिल क्लास बंदा मॉल में नहीं जाएगा, तो हमारी मार्केटों को 8 बजे तक करें। प्रधान जी, आप पूरे मार्केट के प्रधान हैं, तो आपको ये सारे दुकानदारों से बातचीत भी होती होगी, क्या लगता है कि वाकई में क्या 5 बजे का जो टाइम है वो कोरोना के जो केसेस है उनको उनमें घटोतरी हो रही है? देखो, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कल घटोतरी हुई है, कल केस जैसे 1900 तक केस पहुंच गए थे, कल 864 केस है कल चंडीगढ़ के, घटे तो हैं पर इस प्रकार से नहीं। हमारी मार्केट है तो हम बार बार अनाउंसमेंट करते हैं, मास्क लगा के रखें, सबके मास्क, जो नहीं लगे होते हमारी टीम खड़ी होती है, मास्क लगवाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं मास्क लगाओ। तो इस तरह से तो नहीं होगा कि हमारी मार्केटें बंद करके या इनको टाइम घटा के कोरोना कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ ही जो कॉरपोरेशन ने वेंडर्स बिठाए हुए हैं, 19 में चर्च के सामने मार्केट है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने वेंडर्स बिठाए हुए हैं, वो वेंडर 8 बजे तक बैठे हुए हैं, 15 में चले जाओ, 15 में 1000 वेंडर बैठा है, 1000 वेंडर, वो 8 बजे तक खुला रहता है, वो क्यों खुला रहता है, वो कंजेस्टेड नहीं है। आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रशासन से कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है और आपका काम भी चल जाए और कोरोना को भी रोका जाए? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, सैटरडे संडे को क्राउड होता है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आप 8 बजे तक कर दो, सैटरडे संडे 5 बजे बंद कर दो मार्केट, अगर ऐसा है तो। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार जी, क्या लग रहा है, जो पहले भी कोरोना की लहर आई थी उसमें काफी लोगों को बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ा था, तो वहीं कई लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने पड़े थे, तो इस बार उन सबको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है कि वो लॉकडाउन तो लगाएंगे नहीं, साथ में उनका मार्केट का टाइम, जो स्लम मार्केट है उनका टाइम 10 से 5 का रखा गया है, तो आपको क्या मुनाफा हो रहा है इस चीज में, या फिर क्या चीजें आपको देखने में लग रही है, नजर आ रही है कि चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला जो है वो सही है या गलत है? नहीं है, क्योंकि जो हमारी छोटी मात्रा में छोटे कारोबारी बंदे हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसान है, और आज तक सर्दी का टाइम है, जो ग्राहक होता है वो 3 बजे से 5 बजे तक भी ग्राहक होता है, 6-7 बजे तक भी ग्राहक चल जाता है, अगर हम 5 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती है तो हमें 4 बजे तैयारी करनी पड़ जाती है, जो ग्राहक आ जाता है हमारे बाजार छोड़ के कहीं और जा रहा है तो वो हमेशा के लिए हमारा मार्केट में जो ग्राहकी है वो बिल्कुल कम हो रही है, तो हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो रहा है, इससे हमें आर्थिक स्थिति बहुत कम हो रही है और बहुत परेशान। कितने परसेंट आपको आर्थिक स्थिति में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? मैडम, जो ये सिस्टम हमारे को इसमें 50% का पूरा असर पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए। जो लोग मार्केट में आते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्या वो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं? मैम, वो 80% पूरा पालन करते हैं जी। तो आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से? हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाए, वो 5 बजे की बजाय 7 बजे कर दिया जाए अगर ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने हर मार्केट के लिए टाइम एक जैसा करना चाहिए, क्योंकि जो ग्राहक हमारे पास आता है 5 बजे अगर उसको माल नहीं मिलता तो उसको अगर इमरजेंसी है उसने सामान तो चाहिए, वो दूसरी मार्केट में जाएगा और वो उसको हमेशा के लिए वही आदत पड़ जाएगी, हमारी हमारा जो ग्राहक है वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। यानी आपको लग रहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन एक तरीके से आप लोगों के साथ जागती कर रहा है? बिल्कुल जागती हो रही है, प्रशासन ने फैसला जो भी लेना है हर मार्केट के लिए एक जैसा लेना चाहिए, उससे हर बंदे को इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि अब हो रहा है अलग अलग डिसीजन से जी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि फैसला एक जैसा हो और हमारा थोड़ा टाइम जाए साथ कर दिया जाए तो हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सर, चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में जो फैसला लिया है कि मार्केट्स का जो टाइम है 10 से 5 बजे तक कर रखा गया है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैंने तो ऐसे है कि सहमत तो नहीं है, क्योंकि सारी मार्केटें जो बंद करी हैं, हमारी 5 मार्केटें तो उस बारी बड़े बड़े शोरूम खुले पड़े हैं, हम 10 बजे दुकानें आके लगाते हैं, 12 बजे तक हमारी दुकानें लगती हैं, उसके बाद 1-2 बजे के बाद कस्टमर निकलता है, 4:30 बजे में पुलिस वाले आ जाते हैं, सीटीएम मारते हैं, कहते जी बंद करो बंद करो, 5 बजे दुकानें हमारी बंद हो जाती हैं, और हमारे पास गर्म माल बहुत फंसे पड़े हैं, हमारा जैकेट बेचते हैं तो गर्म माल बहुत रुके पड़े हैं मार्केट के अंदर सबके, तो इसलिए प्रशासन को चाहिए कि सबका समय एक जैसा करना चाहिए जी।
अगर हमने बात की थी पहले 22 की मार्केट में, जहां पर लोगों का और दुकानदारों का कहना था कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, बड़े ही टाइमिंग में घटोतरी या बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने से तो इनकार कर दिया है। वहीं टाइमिंग का अगर बात की जाए तो टाइमिंग 10 से 5 की रखी गई है, वो भी दुकानदारों को देखते हुए। तो आपको क्या लगता है कि जो ये टाइमिंग है ये आपको सूट आ रही है? नहीं मैडम जी, ये टाइमिंग सूट नहीं आ रही। कम से कम 7 बजे दुकानों का टाइम करना चाहिए, तो उससे कुछ दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी। सर आपका नाम? सुशील गर्ग नाम है जी मेरा। सुशील गर्ग जी, कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, तो वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है मार्केट्स को जो खोलने और बंद करने का टाइम वो 10 से 5 का रखा गया है, तो क्या आप चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले से सहमत हैं? सहमत कैसे हो क्यों? सब व्यापारी एक रखे शोरूम में 7-9 बजे तक का टाइम है, हमारे यहाँ पे 5 बजे तक क्यों रखा हुआ है? कोरोना सर पिछली मार्केट में है, बाकी मार्केट में कोरोना नहीं है, हम 5 मार्केट अलग लेके क्यों चल रही है सरकार? चले अगर उसका टाइम 9 बजे तक का, हमारा टाइम 9 बजे तक का होना चाहिए। क्या काम करते हैं आप? हमारा कोट बड़े काम है जी, गारमेंट से काम है। तो आपको जो मार्केट में 5 बजे तक का टाइम रखा गया है, उसमें आपके व्यापार में क्या बढ़ोतरी घटोतरी का कुछ सामना करना पड़ रहा है आपको? बढ़ोतरी कैसे होगी, जब काम 3 बजे के बाद स्टार्ट होता है, 3 से 6-7 बजे तक का काम होता है, और ये 5 बजे हमें मार्केट बंद करने का मतलब है कि 4 बजे स्टार्ट करना पड़ता है बंद करने के लिए। तो कभी आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की है इस मुद्दे पर? हमारे प्रधान जी रिंकू जी हर बात हर तरह से हमें फोन करते रहते हैं, टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, क्या करें करते क्या करें। जैसा कि आपने सुना ही होगा, यहाँ पे दुकानदारों की भी बात होती है और प्रधान जी का भी कहना है कि कोरोना को 5 बजे मार्केट बंद करने से कोरोना पे रोकथाम नहीं लगाई जा सकती है, उसका टाइम थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इनका पिछली बार भी कोरोना में काफ़ी नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई अब तक नहीं हुई है। तो वही इनका कहना है, लोगों का मानना भी है कि लोग पूरी तरीके से मार्केट में आ भी नहीं पाते, और टाइमिंग का अगर देखा जाए तो 3 बजे से अधिक रस बढ़ जाता है मार्केट में, जिससे कोरोना होने का अधिक खतरा रहता है। अगर वही टाइम को बढ़ाकर 8 बजे तक कर दिया जाएगा तो इस पर नियंत्रण जल्दी से पाया जा सकता है। ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आज प्रकाश टीवी पर। मैं आपकी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।